वेलकम फ्रेंड्स टू द न्यू कैमरा डॉट कॉम चैनल। और आज हम बात कर रहे हैं फ्यूजी फिल्म X-T4 और X-H2 कैमरा। दोनों ही कैमरे आए नहीं हैं, आने वाले हैं, इसलिए हम इन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फ्यूजी फिल्म X-H2 से। X-H1 को फ्यूजी ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। और कब एक कंपनी अपने कैमरे को डिसकंटिन्यू करती है, ये जब उनको एक दूसरा कैमरा अनाउंस करना होता है तो ये एक पहला चरण रहता है कि पहले तो पुराने वाले को डिसकंटिन्यू करो। जब कंपनी थोड़ी छोटी रहती है, जब उनके पास प्रोडक्शन की इश्यू रहती है कि भाई उनको एक अपना प्रोडक्शन लाइन एम्प्टी करना है, फिर दूसरे की शुरुआत होगी। दूसरी रीज़न ये रहती है कि उनको अपने स्टॉक लाइन्स को क्लियर करना रहता है कि भाई अपने जो स्टॉक पाइल्स हैं दुकान में हैं, इधर उधर काफ़ी जगह हैं, उसको क्लियर अप कर लें। एक बार जब सारी स्टॉक लाइन्स क्लियर अप हो गई तब वो आएंगे दूसरे कैमरे को लेकर हमारे पास, नहीं तो जो पहले वाला है वो सड़ जाएगा बड़े पाइपलाइंस में। तो इसीलिए पहला ही चरण रहता है कि भाई जो पुराना प्रोडक्ट है उसको डिसकंटिन्यू किया जाए। सोनी ऐसा नहीं है, सोनी की डिफरेंट स्ट्रेटेजी, बट फ्यूजी में ऐसा भी नहीं है, वो अपने अलग स्ट्रेटेजी में चल रहे हैं। तो फ्यूजी फिल्म ने पहला स्टेप उठाया कि अपने X-H1 को डिसकंटिन्यू किया है। अब मोस्ट प्रोबेबली वो वेट करेंगे कि कब उनका स्टॉक लाइन्स क्लियर होता है, कब वो नेक्स्ट कैमरे की अनाउंसमेंट को लेकर आए हमारे सामने। लेकिन उसके पहले हम रूमर्स की तरफ देखते हैं कि भाई इससे रिलेटेड रूमर्स क्या है हमारे पास। तो फ्यूजी रूमर्स ने कहा था कि 2020 में कोई फ्यूजी X-H2 कैमरा नहीं आने वाला है, ऐसा उन्होंने कहा था। मोस्ट प्रोबेबली हो भी सकता है कि फ्यूजी फिल्म डिले करें अनाउंसमेंट को लेके, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है क्योंकि उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया X-H1 को अभी फिलहाल, इसी बिगिन भी नहीं हुआ है 2020, उन्होंने 2019 में डिसकंटिन्यू कर दिया है, तो मिड ऑफ 2020 तक स्टॉक लाइन्स मोस्ट प्रोबेबली X-H1 की खाली हो ही जाएंगी ग्लोबली। तो एक बहुत अच्छा मौका बना देती है कि फ्यूजी X-H2 कैमरा अनाउंस करे। अब फ्यूजी इस मौके को यूज़ करता है कि नहीं, ये फ्यूजी के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं कोर स्पेक्स की। तो फ्यूजी X-H2 के कैमरे के कोर स्पेक्स की इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली उसमें फ्यूजी 26 MP BSI CMOS सेंसर ही यूज़ करेगा। तो ये हो गए इनिशियल सेट ऑफ कोर स्पेक्स X-H2 कैमरे के बारे में। अब हम बात करते हैं X-T4 कैमरे के बारे में। टाइमलाइन की बात कर लें X-H2 की, तो मोस्ट प्रोबेबली एंड ऑफ 2020 में हम एक डेवलपमेंट अनाउंसमेंट देख सकते हैं फ्यूजी की तरफ से। रूमर्स का मुझे नहीं पता, बट सिचुएशन ऐसी है कि X-H2 की अनाउंसमेंट 2019 के एंड तक हो जानी, एटलीस्ट डेवलपमेंट अनाउंसमेंट। अगर नहीं होती है तो बात ये समझनी पड़ेगी कि फ्यूजी जो है उसको इंटेंशनली डिले कर रहा है, ये अलग बात है। लेकिन अगर अब सारी चीज़ शेड्यूल पे गई, सिचुएशन के अनुसार चली, तो 2019 के एंड तक हम X-H2 की अनाउंसमेंट देखेंगे। अब हम बात करते हैं X-T4 की। तो X-T4 कैमरा आने वाला है 2020 में, ये बात तो तय है, लेकिन उसके अंदर कोर स्पेसिफिकेशन क्या होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिल्ट इन इमेज स्टेबलाइजेशन हमें देखने को मिलेगा। ये तो काफ़ी दिनों से साइट्स पर घूम रहा है कि भाई ये चीज़ आने वाली है। सेंसर के बारे में बात करें तो 26 MP BSI CMOS सेंसर फ्यूजी यूज़ कर सकती है, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं इस वक्त। फ्यूजी अपने सेंसर लेती है सोनी से। सोनी की अगर आप साइट पर देखोगे, मैं होगा तो लिंक डाल दूंगा, उनके पास अभी दो ही सेंसर अवेलेबल है। न्यू सेंसर्स की बात करें, एक 24 MP की, एक 26 MP की। 24 MP का जो सेंसर कोड है वो IMX571 है, मोस्ट प्रोबेबली है, छोड़िए सेंसर कोड को, वो जो सेंसर है 24 MP वाली, उनको उसको सोनी ने अपने हर एक कैमरे में यूज़ कर लिया है। A6400 की बात कर लें, A6100 की बात कर लें, A6600 की बात कर लें, एंट्री लेवल से लेकर फ्लैगशिप कैमरे तक में सोनी ने सिर्फ एक ही सेंसर यूज़ करा है, वो है उनका लेटेस्ट 24 MP सेंसर। अब फ्यूजी जो है वो 26 MP सेंसर को अपने X-T30 मॉडल में यूज़ कर चुका है, X-T3 मॉडल में यूज़ कर चुका है, लेकिन अब क्या है कि उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि सोनी ने अभी तक कोई नया सेंसर उतारा नहीं है कमर्शियली। अगर वो किसी और कंपनी के साथ अपनी साठगांठ करते हैं तो अलग बात है, लेकिन सोनी में अभी कोई ऑप्शन है ही नहीं। और सबसे लेटेस्ट सेंसर फ्यूजी ने यूज़ कर चुका है जो कि 26 MP का BSI CMOS सेंसर है। तो अगर मिड ऑफ 2020 तक वो प्लान कर रहे हैं कि X-T4 को अनाउंस कर दें मार्केट में, तो वो 26 MP की BSI CMOS सेंसर के साथ ही आएंगे, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। और स्पेक्स X-T4 कैमरे की हो सकता है वो 26 MP BSI CMOS सेंसर के साथ आए, और हो सकता है उसी के साथ ही आए अगर मिड 2020 में आता है। बिल्ट इन इमेज स्टेबलाइजेशन उसके अंदर रहने की हमें पूरी उम्मीद है। ये थी इनिशियल सेट ऑफ स्पेक्स X-T4 की।
और जैसे ही कुछ अपडेट आती है तो हम आपके साथ इसे साझा करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।